हे गाइस, दिस इज़ मी अविनाश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूँगा डॉम्स की कलर पेंसिल्स का। और गाइस, बात करेंगे कलर पेंसिल्स कैसी हैं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसका बॉक्स कुछ ऐसा है। डॉम्स की कलर पेंसिल 24 पेंसिल्स हैं और शॉर्पनर भी इसके अंदर है। और गाइस, ये मेड इन इंडिया है। तो गाइस, इसको अभी ओपन करके देखते हैं। तो गाइस, ये हैं कुछ कलर पेंसिल्स जो डोम्स की हैं। गाइस, में 24 शेड्स हैं। गाइस, इसमें स्किन कलर भी है पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए, अगर हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। और गाइस, इसको अभी कुछ शेड करके देखते हैं कैसी कलर पेंसिल्स। तो गाइस, अभी मैं इस पेंसिल से शेड कर रहा हूँ। गाइस, ये पेंसिल्स काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है, मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ तो। और गाइस, जितनी पेंसिल सॉफ्ट होती है वो कितनी अच्छी पेपर पर ऑप्ट हो पाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट हो पाई है। आई थिंक ये लाइट ब्लू है शायद, ग्रीन यूज़ करते हैं। गाइस, ग्रीन भी काफ़ी अच्छा ऑप्ट हो पाया है। अभी येल्लो, गाइज ये काफ़ी अच्छे से पेपर पे ऑप्ट हो पा रहे हैं। अब इनको ब्लेंड करके देखते हैं। तो गाइज, मैं इसी का वाइट कलर ले रहा हूँ, कलरलेस वाइट कलर। गाइज, पेपर का भी होता है और इसका भी होता है। तो गाइज, अभी इसका पेपर पे आपको रफ दिख रहा होगा ये कलर शेड्स है। अब इसको ब्लेंड करेंगे तो गाइज, रफनेस गायब हो जाती है। तो गाइज, मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है, अभी काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इनके अंदर जो वाइट वाइट जैसे स्पॉट्स दिख रहे थे छोटे छोटे, वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि गाइज जो पेपर के ऊपर जो कलर्स थे वो ऑप्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छे कलर लग रहे हैं अभी तो यूज़ करने के बाद। तो गाइज, अभी इससे कुछ पोर्ट्रेट ड्रॉ करके देखेंगे कैसा ड्रॉ हो पाता है। और गाइज, ये पेल ऑरेंज को भी शेड करके देख लेते हैं कैसा शेड होता है ये। गाइज, बेसिकली पेल ऑरेंज कलर जो स्किन के कलर का होता है और इसको स्किन के लिए यूज़ करते हैं जो पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं आर्टिस्ट, वो यूज़ कर लेते हैं इसको। गाइस, कोई ब्लेंड करके देखते हैं एक बार। तो गाइस, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाया है। तो गाइस, अभी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। तो गाइस, जो हमने अभी इसे ड्रॉ किया है वो काफ़ी अच्छी तरह ड्रॉ हो पाया है और जो पेपर के ऊपर जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्ट हो पा रहे हैं और जो ब्लेंडिंग भी वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही है। अगर गाइस, आप एक बिगनर हैं और आपको कलर्स चाहिए तो गाइस, आपको मैं ये करूँगा डॉम्स की ये कलर पेंसिल बाय कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये कलर पेंसिल चीप भी हैं। आई थिंक 90 रुपीज़ की आपको अराउंड मार्केट मिल जाएगी। और अगर आपको इससे बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो गाइस, आप स्टेडलर की तरफ और पीजमा कलर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गाइस वो कलर पेंसिल्स बेसिकली आर्टिस्ट के लिए बनती है और वो काफ़ी उनकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी हाई होती है और उनके जो प्राइस अराउंड वो भी 1000 से ऊपर होती है। तो गाइज, वो कलर पेंसिल काफ़ी अच्छी होती हैं। तो गाइज, आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय।